धर्मशास्त्रों और पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु पौराणिक गाथाओं में ऐसे 8 अमर पात्र हैं जिन्हें मृत्यु नहीं आई और इन्हें अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी का अर्थ होता है चिरकाल तक जीवित रहने वाला। किसी भी शुभ कार्य से पहले इनका स्मरण किया जाता है। ग्रंथों के अनुसार कुछ पौराणिक पात्र ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं। इनका स्मरण मनुष्य की आयु बढ़ाता है और इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति प्रदान करता है। आइए जानते हैं यह 8 चिरंजीवी कौन हैं। पहला नाम अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। सभी चिरंजीवियों में केवल अश्वत्थामा ही ऐसे पात्र हैं जिन्हें अमरता आशीर्वाद से नहीं अपितु श्राप से मिली थी। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा बहुत बड़े शिव भक्त हैं और आज तक इस श्राप से मुक्ति के लिए शिव आराधना करते हैं, इसलिए इनका स्मरण भी अष्ट चिरंजीवियों के साथ किया जाता है। दूसरा नाम है राजा बलि का। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज और भगवान विष्णु के भक्त हैं। राजा बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था, जिससे श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसीलिए उन्होंने राजा बलि को अनंत काल तक पाताल लोक का राजा बनने का वरदान दे दिया। हम अगर तीसरा नाम देखें तो वह नाम है ऋषि वेदव्यास का। ऋषि वेदव्यास को भी अष्ट चिरंजीवियों में गिना जाता है। इनका जन्म यमुना के बीच स्थित एक द्वीप द्वैपायन पर हुआ था। सांवला रंग होने के कारण यह कृष्ण द्वैपायन कहलाए। इन्होंने 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया। सभी 18 पुराण एवं महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी इन्होंने ही की थी। इनकी कृपा से ही हस्तिनापुर को पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर की प्राप्ति हुई। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं श्री हनुमान जी महाराज। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे, तब सीता जी ने उन्हें प्रसन्न होकर अजर अमर होने का वरदान दिया था, इसलिए हनुमान जी आज भी अमर हैं। 5वां नाम है विभीषण जी का। विभीषण रामायण काल के प्रसिद्ध राजा हैं, जो राक्षस राज रावण के अनुज थे। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इन्होंने धर्म अधर्म के युद्ध में रावण के अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अजर अमर लंकापति बना दिया। 6वां नाम है मुनि कृपाचार्य का। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों एवं पांडवों के कुलगुरु थे। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। कृपाचार्य महाभारत के अंत में कौरवों की ओर से बचे 3 लोगों में से एक हैं। कहा जाता है कि कृपाचार्य को अमरत्व का वरदान इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने महाभारत का युद्ध निष्पक्षता के साथ लड़ा था। आगे नाम आता है भगवान परशुराम का। भगवान विष्णु के दशावतार में से 6ठा अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन कलयुग और त्रेता युग के संधिकाल में हुआ था। इन्होंने शिव जी का कड़ा तप करके उनसे वरदान प्राप्त किया था और शिव जी से ही इन्हें एक परशु प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से इनका नाम राम से परशुराम पड़ गया। मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में कल्कि के गुरु बनकर परशुराम जी वापस आएंगे। 8वें चिरंजीवी के रूप में ऋषि मार्कंडेय का नाम आता है। सप्त चिरंजीवियों के साथ ऋषि मार्कंडेय भी अमर माने जाते हैं। वे अल्पायु थे। इन्होंने कठोर तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था एवं महामृत्युंजय मंत्र की रचना भी इनके द्वारा ही की गई है। शिव जी के वर से यह चिरंजीवी हो गए।
मान्यताओं के अनुसार एक पौराणिक कथा जो मार्कंडेय के लंबे जीवन से संबंधित है यह बताती है कैसे उन्होंने पिछली दुनिया की मृत्यु के बाद जीवन व्यतीत किया और श्रीहरि से ज्ञान प्राप्त करके इसे समाप्त होते देखा। आपको यह जानकारी कैसे लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।